तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो नीच एंड नीच, तो दोनों में क्या अंतर होता है, क्या उन दोनों में डिफरेंस है, तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मेरा यह दावा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी दूसरे वीडियो पर नहीं जाएंगे माइक्रो नीच और नीच पर सर्च करने के लिए। तो कई लोगों ने आपको यूट्यूब पर बताया है कि नीच और माइक्रो नीच वेबसाइट को कैसे SEO करना है और उसको फर्स्ट पेज पर रैंक करवाना है, मगर किसी ने ये नहीं बताया कि नीच और माइक्रो नीच होता क्या। तो आप सबको नीच तो पता होगा कि टेक एंड टेक्नोलॉजी का नीच होता है, और भी बहुत सारे ऐसे नीचेस होते हैं, मगर माइक्रो नीच क्या होता है ये हमें नहीं पता है। तो चलिए हम आपको इसी बताने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और ये हमने अभी खोल रखा है amazon.in। तो आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पर ये देखिए Amazon, Echo, Alexa, ये सभी नीचेस हैं मेंस फैशन, और इन सभी पर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। और जो माइक्रो नीच होता है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे, स्पोर्ट्स फिटनेस बैग है, और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर फुटबॉल है, क्रिकेट है, बैकपैक, ट्रैवल, तो ये सभी हो गए माइक्रो नीचेस। तो अगर आपको अपने माइक्रो नीच को खोजने में दिक्कत हो रही है तो आप इन सभी पर क्लिक करके देखिए, और आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे अपने वेस्ट नीच को फाइंड कर सकते हैं, वेस्ट माइक्रो नीच को फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बस इतना ही बताने जा रहा था कि नीच और माइक्रो नीच क्या होता है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, कार मोटर बाइक इंडस्ट्रियल, तो अगर इसमें देखिए इस कार पार्ट्स है, कार इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो ये एक पर्टिकुलर उसका पार्ट्स और उसके अंदर जो भी चीज़ आता है, जैसे मैं टेक एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो उसके अंदर आप मोबाइल फ़ोन का रिव्यू दे सकते हैं, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, तो ये सभी माइक्रो नीच की कैटेगरी में आते हैं। तो आप एक पर्टिकुलर चीज़ पर वेबसाइट बनाइए, जैसे कि अगर आपने सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बता रहा है, तो देखिए मोबाइल कंप्यूटर, तो आपने सिर्फ अगर कंप्यूटर के बारे में बताया तो वो आपका एक माइक्रो नीच वेबसाइट हो गया। तो फ्रेंड्स, बस माइक्रो नीच और नीच में यही अंतर था, और आप अगर किसी भी वीडियो पर आप अपने YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको बस यही बताया जाएगा। तो प्लीज़ माइक्रो नीच और नीच जानने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, और माइक्रो नीच वेबसाइट का अभी बहुत ज़्यादा रैंकिंग इजी है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपने माइक्रो नीच वेबसाइट को स्टार्ट कीजिए और एडसेंस अर्निंग स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।